दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आदिवासी परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला 4 जनवरी को, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आपकी आदिवासी परीक्षा में पूछे जाने वाला। दोस्तों ये 100% रियल पेपर है और दोस्तों आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, ठीक है, और इस पेपर का यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका पर पहला है पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखे। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। तो पहला सही विकल्प अच्छे से देख लीजिए, भक्ति काल की समय सीमा है। तो क्या है दोस्तों ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा, इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर बा वाला जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर दूसरा दोस्तों पर सही विकल्प देख लीजिए, रामचरित मानस की भाषा है। तो कौन सी है दोस्तों ये इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बावला जाएगा, अवधि। अब दोस्तों आपके पास तीसरा दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, रौद्र रस का स्थायी भाव होगा। तो क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा, इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर सा वाला जाएगा, क्रोध। अब दोस्तों आपका पर चौथा दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो कहाँ पर लगवाई गई थी दोस्तों ये आपको बताना है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर बावला जगह, नगर पालिका द्वारा। अब दोस्तों आपके पास पांचवे पर सही विकल्प देख लीजिए, चिकित्सालय का समास विग्रह होगा। तो क्या होगा दोस्तों ये आपको बताना है, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। दोस्तों इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर आना चाहिए दोस्तों, आपका यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर चिकित्सा प्लस आले। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका आना चाहिए, चिकित्सा के लिए आले। दोस्तों इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर सावला जाएगा, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन में दोस्तों आपका राइट आंसर चिकित्सा के लिए आले आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर चेटा है पर सही विकल्प देख लीजिए, सांप निकलने पर डरकर भागे बोलना आकर छिपे। तो कहाँ पर छिपे थे दोस्तों ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर दावला आ जाएगा, जिससे आपके दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प कंपेयर हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन 2 देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खालतन की पूर्ति करना है, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का खालतन पूछे जाने वाला, तो पहले खालतन का आंसर लगा लीजिए। पहले खालतन में दोस्तों आपका अंतिम आ जाएगा, ठीक है। दूसरे खालतन दोस्तों आपका यहाँ पर अलंकार आ जाएगा। तीसरे खालतन दोस्तों आपका यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ आ जाएगा। और दोस्तों आपका यहाँ पर चौथे खालतन दोस्तों आपका यहाँ पर स्वयं आ जाएगा, ठीक है, यह वाला आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका पांचवे दोस्तों यहाँ पर खालतन में आपका यहाँ पर आ जाएगा अव्ययी भाव समास आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर छठे खालतन देख लीजिए, तो छठे खालतन में दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर आपका आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, कभी कभी खालिस्तान हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं। दोस्तों इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों आपका बापू जी आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको इसका आंसर और आपको कंफर्म कर लेना है आपकी बुक से, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर प्रश्न 3 देख लीजिए, जिसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी बनाकर लिखे। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पहला पूछा है छाया मत छूना, दोस्तों इसमें आप लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा गिरिजा कुंवर माथुर आ जाएगा, ठीक है, इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए पृथ्वीराज सासो, दोस्तों पृथ्वीराज सासो में आप लगा लीजिए, महाकाव्य इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए यहाँ पर पूछा है एक कहानी या भी, तो इसके राइट आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा मन्नू भंडारी, इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए ईश्वर को ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर आएगा दोस्तों आपका इच्छावाचक वाक्य आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए 9-2-11 होना, तो दोस्तों 9-2-11 होने का मतलब क्या होता है दोस्तों ये आपको बताना है, ठीक है। 9-2-11 होने का मतलब होता है दोस्तों भाग जाना होता है, ठीक है। दोस्तों ये आपका गलत छप गया दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो आपको दोस्तों 9-2-11 का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर भाग जाना आ जाएगा, ठीक है। भाग जाना इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए माता का अंचल, दोस्तों माता का अंचल में आप लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा शिवपुंज या शिव पूजन साय आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 4 देख लीजिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक वाक्य में इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं, तो इसका आंसर आपको दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके दूसरा क्वेश्चन देखिए, तृप्त दरा का सांकेतिक अर्थ क्या है, तो इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके तीसरा क्वेश्चन देखिए, वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसका आंसर आपको दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन देखिए, चौपाई छंद में कुल कितनी मात्रा होती है, इसके बारे में आपको बताना होगा। इसका आंसर भी दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा।
अब दोस्तों आपके पर पांचवे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर तो आप लगा लीजिए, इसमें आपका 2 फुट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नेताजी की मूर्ति यहाँ पर 2 फुट ऊंची थी, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास चेटा देख लीजिए, आप पूछा है उपासना करने वाला क्या कहलाता है, तो इसमें राइट आंसर लगा लीजिए उपासक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर उपासक, इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास क्वेश्चन 5 देख लिया, सत्य असत्य लिखे दोस्तों, आपकी परीक्षा में 6 नंबर का सत्य पूछे जाने वाला, ठीक है। तो इनका आंसर बताओ दोस्तों, यहाँ पर लगा लीजिए, पहला दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य आ जाएगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपका यहाँ पर असत्य आ जाएगा, तीसरा दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य आ जाएगा, ठीक है। चौथा दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य आ जाएगा, चौथे के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए, चौथे के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर पांचवा दोस्तों आपका सत्य आ जाएगा, और छठा भी दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 देख लीजिए, छायावाद की 2 विशेषता लिखिए, तो क्वेश्चन देख लीजिए भक्ति काल की 2 विशेषता आपको लिखना है, इनके आंसर दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान आपको निर्धारित करना है, तो क्वेश्चन देख लीजिए गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषता आपको लिखना है, ठीक है। इनके उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अब दोस्तों आपके पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, कवि निरालक की आंख फागुन की सुंदर से क्यों नहीं हट रही है, तो क्वेश्चन देख लिया, पूछा दोस्तों आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा, दोस्तों इसके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 9वां क्वेश्चन देख लिए, महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो क्वेश्चन देख लिए छंद किसे कहते, छंद के प्रकार आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। अब दोस्तों आपके पास 10वां क्वेश्चन देख लिए, आख्यानक गीतिया से क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित लिखे, तो क्वेश्चन देख लीजिए पाठ्य मुक्तक काव्य से क्या से, उदाहरण सहित आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 11वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, कोई 2 उपन्यास के नाम एवं उनके लेखकों के नाम आपको लिखना है, तो क्वेश्चन देख लिए किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम एवं उनकी 2 रचना आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 12वां क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दिया दोस्तों आपका, यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी के साहित्य का प्रमुख विशेषता लिखिए, तो क्वेश्चन देख लिए मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषता लिखे, दोस्तों इनके आंसर आपको स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 13वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया, पूछा है बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है, तो क्वेश्चन देख लिए वास्तविक अर्थों में संसद व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो क्वेश्चन देख लिया सॉरी आपका दोस्तों यहाँ पर 14वां क्वेश्चन पूछा है निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे, तो क्वेश्चन देख लिए समास की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है, ठीक है। इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों आपके 15वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 15वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा 2 नंबर का पूछे जाने वाला, ठीक है। अच्छे से याद कर लिए दोस्तों, इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, दोबारा देखकर दोस्तों इनके आंसर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके 16वां क्वेश्चन देख लिए, मात्रिक छंद एवं वर्णिक छंद में अंतर लिखे, तो क्वेश्चन देख लिए संचारी भाव एवं स्थायी भाव में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 17वां क्वेश्चन देख लिए, विज्ञापन लेखन व सूचना लेखन में कोई 3 अंतर आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, अब दोस्तों आपके पास इसका 18वां क्वेश्चन देख लिए, लोकोक्ति व मुहावरे में आपको कोई 3 अंतर लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 18वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित अपटित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न उत्तर लिखिए, दोस्तों आपको यहाँ पर एक अपटित यहाँ पर काव्यांश दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपके पर प्रश्न 1 पूछा दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में आपको कहना है उपरोक्त गद्यांश का उच्च शीर्षक लिखना है, दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या कहना है देश के प्रति समर्पण का भाव जागृत होता है, तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या कहना है उपरोक्त गद्यांश का सारांश आपको लिखना है, ठीक है। दोस्तों आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में शीर्षक लिखना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर दोस्तों आप इसके अतोले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, इसमें भी दोस्तों आपको सेम यही करना है, ठीक है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, तो तीनों का आंसर दोस्तों आपको इसी काव्यांश से चार्ट कर लिखना है। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पर 19वां क्वेश्चन पूछा है आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर 1 अनुच्छेद लिखे, तो क्वेश्चन देख लिए पुराने समय में स्त्री शिक्षा संबंधी बातों के बारे में अपनी दादी नानी या माँ से हुई बातचीत संवाद को लिखे। अब दोस्तों आपके पास 20वां क्वेश्चन देख लिए, निम्नलिखित पद्यांश का सप्रसंग सहित भावार्थ लिखे, दोस्तों आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, दोस्तों आपको यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है, इसकी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में संदर्भ लिखना होगा, ठीक है। संदर्भ इसमें लिखना होगा, संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना होगा, ठीक है। प्रसंग के बाद दोस्तों आपको इसका भावार्थ या वाक्य इसमें क्वेश्चन में करना होगा, ठीक है। इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, या फिर दोस्तों आप इसके अतोल क्वेश्चन को भी कर सकते हो। अब दोस्तों आपके पर 21 क्वेश्चन देख लिए, 21 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग
संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिया, तो एक गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर से लेकर दोस्तों आपको नीचे तक अच्छे से पढ़ लेना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर संदर्भ लिखना होगा, ठीक है। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर वाक्य करना होगा। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, दी गई पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक इससे ली गई है और इसके लेखक आपके ये है, ठीक है। ये आपको संदर्भ लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर इस क्वेश्चन का यहाँ पर अतुल क्वेश्चन देख लिया दिया हुआ, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 22 क्वेश्चन देख लिए। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखे। अतवा क्वेश्चन देखिए, गर्मियों की छुट्टियों में ऐतिहासिक स्थल के भ्रमण पर जाने हेतु 500 रुपए मंगवाने हेतु पिताजी को पत्र आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। अब दोस्तों आपके पास 23 क्वेश्चन देख लिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका पर कक्षा 10वीं का हिंदी का 100% रियल वाला पेपर कंप्लीट होगा। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इस पेपर के यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सॉल्यूशन देख लिया, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था सही विकल्प वाला, ठीक है। तो पहले सही विकल्प में दोस्तों आपका यहाँ पर बा वाला जाएगा, ठीक है। दूसरे सही विकल्प में दोस्तों आपका बा वाला जाएगा, ठीक है। दूसरे के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरे सही विकल्प में आपका सा वाला, चौथे सही विकल्प दोस्तों आपका बा वाला, पांचवें सही विकल्प दोस्तों आपका सा वाला और छठे सही विकल्प दोस्तों आपका दा वाला आ जाएगा। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन टू के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर खाली स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। तो पहले खाली स्थान दोस्तों आपका अंतिम बनेगा, दूसरे में अलंकार, तीसरे में तो यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ आ जाएगा, चौथे में दोस्तों आपका स्वयं आ जाएगा, पांचवें दोस्तों आपका यहाँ पर अव्ययी भाव आ जाएगा और छठे में तो आपका जापान नहीं आएगा दोस्तों, आपका इसमें बापू जी आएगा, ठीक है। बापू जी इसमें राइट आंसर आएगा, बाबूजी इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन थ्री का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर सही जोड़े का मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जोड़े का मिलान दोस्तों आपको अच्छे से दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन फोर के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। तो पहले का आंसर दोस्तों आपको अच्छे से दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरे का आंसर यहाँ पर दिया दोस्तों, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरे के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया है, चौथे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया है, चौथे के बाद दोस्तों आपका पांचवें क्वेश्चन का आंसर दिया है, पांचवें के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर छठे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर क्वेश्चन फाइव के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको सत्य और असत्य लिखने के लिए बोला गया था। तो बेला दोस्तों आपके पास सत्य जाएगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपका यहाँ पर असत्य आ जाएगा, तीसरा दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य जाएगा, चौथा दोस्तों आपका सत्य जाएगा, पांचवा दोस्तों आपका सत्य और छठा आपका दोस्तों यहाँ पर सत्य जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन 6 से लेकर दोस्तों आपको 23 तक के आंसर अच्छे से आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 6 से लेकर 23 तक के आंसर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको छायावाद की दो स्थिरता लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। और इसके अतुल का भी आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास सातवें क्वेश्चन का आंसर देख लिए, यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। सातवें के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर अतुल का यहाँ पर आंसर देख लिया, अतुल का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से याद कर लिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर आठवें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर आठवें क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, आपका आठवें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर नौवां क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको महाकाव्य किसे कहते हैं उसके बारे में आपको लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर नौवां क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर नौवें क्वेश्चन का यहाँ पर अतुवला का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, तो यहाँ पर नौवें क्वेश्चन का यहाँ पर दोस्तों अतुवला का यहाँ पर आंसर आपको दिया हुआ है। अब दोस्तों आपके पर दसवें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर दसवें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों आपका दसवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर दसवें क्वेश्चन के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर बारहवें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपका बारहवें क्वेश्चन का यहाँ पर अतुल का यहाँ पर आंसर दिया हुआ, ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी साथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बारहवें क्वेश्चन का अतुल का यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर तेरहवें क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर अतुल का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर अतुल का यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी साथ में मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास तेरहवें के बाद दोस्तों आपके पर चौदहवें क्वेश्चन का यहाँ पर अतुल वाला का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर अतुल का यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों आपके पर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों इसका यहाँ पर देख लीजिए, तो दोस्तों आपका यहाँ पर
16 क्वेश्चन के आप आंसर दिया, ठीक है। 16 क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक आपका 16 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 16 के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 16 क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाले का यहाँ पर आंसर दे लीजिए। 16 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर अतवे वाले का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर 17 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर अतवे वाले का यहाँ पर आंसर देख लीजिए। यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक आपका यहाँ पर 17 क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाले का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से याद कर लिए दोस्तों। अब दोस्तों आपके पर 18 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर अतवे वाला का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, इसमें आपको शीर्षक, गद्यांश का सारांश और दोस्तों यहाँ पर भावार्थ लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर 20वें क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर अतवे वाला का यहाँ पर आंसर देख लीजिए। यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का आंसर आपको दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर यहाँ पर दोस्तों आपका जो 20वां क्वेश्चन है दोस्तों इसका आगे का भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, बस आप अच्छे से इस पेपर को समझ लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 22 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखने के लिए बोला गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको प्रार्थना पत्र दी गई दोस्तों, इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से देखने के बाद दोस्तों इसका आगे का भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसका आगे का भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है इसका आगे का, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपका जो दोस्तों यहाँ पर 30 क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है, जिसमें आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है परीक्षा में, तो उसका आंसर आपको आपकी बुक से देखकर अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।